भारत में इजराइल के राजदूत नाउर गिलोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के बाद एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर बवाल मचना तय है। ये भी साफ है कि उनकी इस टिप्पणी पर मुस्लिम देश भारत से नाराज़ हो सकते हैं और सफाई मांग सकते हैं। ये तो साफ है कि राजदूत ने अच्छी मनसा से ही सही भारत को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिसमें उसे पूरी दुनिया को सफाई देनी पड़ सकती है। नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की एक तस्वीर नाउर गिलोन ने पोस्ट की। उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसराइल और यहूदियों के प्रति उनकी दोस्ती हृदयस्पर्शी है। इसराइली राजदूत ने यह बात अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखी है। बताते हैं कि मुस्लिम देश, खासकर मध्य एशिया के देश, फलस्तीन पर इसराइली कब्जे की वजह से उसके खिलाफ तो हैं ही, वे फलस्तीनियों के साथ हो रहे व्यवहार की वजह से यहूदी धर्म के भी खिलाफ हैं और उसे ही सारे विवाद की जड़ मानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और इसराइल में नज़दीकियाँ बढ़ीं, लेकिन नई दिल्ली ने एक संतुलन बनाकर रखा है। इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंस भारत के दौरे पर हैं, उनकी मुलाकात भी पीएम मोदी से हुई है। इसराइली रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस बैठक ने भारत इसराइल संबंधों की समीक्षा की और दोनों देशों की सुरक्षा समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का मौका मिला है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने रक्षा और सैन्य सहयोग विस्तार के अपने संकल्प की पुष्टि करते हुए एक विजन स्टेटमेंट जारी किया है। दोनों मंत्रियों ने कूटनीतिक, वैश्विक चुनौतियों, सैन्य सहयोग और रक्षा औद्योगिक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इस मुलाकात को गर्मजोशी भरी और उत्पादक बताया। उन्होंने ट्वीट किया, द्विपक्षीय वार्ता में इसराइल के रक्षा मंत्री बिन्यामिन गैंट्स के साथ नई दिल्ली में गर्मजोशी के साथ बैठक और उत्पादक बैठक हुई। रक्षा सहयोग, वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्यों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसराइल के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी हमारे लिए बहुत ही अहम है। बिन्यामिन गैंट्स ने भी द्विपक्षीय वार्ता को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इसराइल भारत संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा के दौरान आज सुबह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। बैठक में हमने सैन्य और औद्योगिक सहयोग को विस्तार देने के लिए एक कॉमन विजन अपनाया और दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर बात की।